हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अली व्लॉग। तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे नए ब्लॉग में। तो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं खेत की में गेहूं की बुआई करने। हमारे मोनू ठेकेदार भाई साहब जा रहे हैं, देख सकते हैं ठेले पे। देख सकते हो गाइस, ये पुराने जमाने का है, बरसों से तो मैं इसको देख रहा हूँ, ऐसे ही है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था, एक बुढ़ी एक बुढ़ा इसमें रहते थे, और यहाँ तालाब में बुढ़की लगा के खूब नहाते थे। ये हमारा तालाब है, इस पार से उस पार निकलते थे हम। 20-25 लड़के हमारे साथ में रहते थे, दोस्त लोग यहाँ पे नहाते थे। वो मंडीला देख रहे हो, वही मंडीला पे हम लोग छलांग मारते थे। और ये मंडीला ये पुराने ज़माने का है, ये पहले और अच्छा था। एक बुढ़ी एक बुढ़ा चरपाई लगा के यहाँ पे सोते थे। वो शायद उनका तो पता नहीं कहाँ चले गए, उनके बारे में तो नहीं बता सकता। ये कब्रस्तान है, इधर पेड़ पौधा लगा है, बगल में यह गाँव है और इधर भी गांव है। देख सकते हो गाइस, इधर पे हमारा घर है और ये सामने देख सकते हो गुम्ब, ये मस्जिद है, यहाँ हम जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। ये सब हमारे आजू बाजू, यहाँ हम लोग खेती करते हैं। तो अभी खाद लेके चल रहा हूँ, उधर जाना पड़ेगा। तो ये मुर्गी का फार्म है, ये बहुत बड़ा है, पहले ही पड़ता है, ये बगल में रास्ता गया है। वो तो गाय देख रहे हो, गाय हमारी है। अब आगे चलिए भी बताता हूँ। और सकते इधर सब बहुत कम ही दिख रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है सब। अभी सुबह बहुत ठंड है, देख सकते हैं मैं हाफ टी शर्ट पहना हुआ है यार, क्या करूं। मोनू भाई हमारे देख सकते हैं एकदम फुल स्पीड में ठेले को लेते जाते हैं। इसमें खाद है, गेहूं सब वगैरह वगैरह रखा हुआ है यार। मेरा मन, मनोज भाई साहब कुछ बोलेंगे, मेरा मन कुछ कहता है यार यहाँ पर थोड़ा सुनाने के लिए। आपके दिलों को कुछ हौसला, हम चाहते हैं आपके दिलों को कुछ है, ये आपको सुनाएंगे दो चार लाइन सुन गाइस आपके लिए सिर्फ। तो चलिए भाई, फसलों को तकल्लुफ है हमसे अगर, हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई, अब अगली बार में सुना देंगे, क्योंकि हमारा गला आज कुछ ऐसा लग रहा है, डिस्टर्ब है, थक गया हूँ बहुत ज्यादा, कि तो मुझे खाद वाद मारना पड़ता है। देख सकते हैं ये दो लाइन कहे थे तो दो ही लाइन सुना है, उसके बाद इनका खत्म हो गया सब। मैं इतना बोल चुका हूँ कि हमारे समझ में नहीं आ रहा है, इसीलिए अगली बार सही वक्त में और सही बातें करके आप लोगों के बीच में पहुँचा देंगे। तो देख सकते हैं हमारे मोनू भाई साहब हैं गाइस, वो थक चुके हैं तो दो ही लाइन सुना है। तो चलिए अब थोड़ा दूर चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद गाइस। सड़क अभी जल्दी ही बनाई गई, एकदम नई, अभी मट्टी की है तो थोड़ा ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि यहाँ पे मोनू भाई साहब हमारे ठेले को खींच नहीं पा रहे, तो हम ही इसको ढकेलेंगे। पहली सड़क बनी है, पहली एकदम नई, अभी फिर से बगल के खेत से मट्टी लेकर के इसको बनाए। मोनू भाई हमारे चल नहीं पा रहे हैं, देख सकते हैं। चलिए कोशिश करते हैं, पहुँच जाएंगे। हिदायतुल्ला काजी बोल रहा हूँ, ये हमारे ड्राइवर है, खेत हमारा जा रहे हैं इनका है। क्या नाम है आपका? अली का खेत अभी जोतेंगे, तो क्या कहना है, कितने पैसे लगेंगे आपको? अरे इतने गुस्से मत जाइए यार, जाइए भाई, अगली बार मिलेंगे फिर। तो गाइस देख सकते हैं, आज मैं मोनू भाई का ठेला चला रहा हूँ, कभी चलाया नहीं, पहली बार चला रहा हूँ। पीछे इतना लोड है कि आगे ही नहीं बढ़ रहा, पता नहीं कैसे इतनी मेहनत से ये लोग चलाते हैं गाइस। तो इसी के लिए एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। देख सकते हैं बे, ठेला गया बे। देख सकते हो गाइस, मैं हिदायतुल्ला काजी आप लोगों के बीच में। अरे यार तुमको जल्दी पड़ी है, मेरे तो सत्यानाश हो गया, मैं आना नहीं चाहता था यार। मैं बाप दादों से कह के चले जाऊंगा, खेती नहीं करूंगा, मर जाऊंगा, जाले दे दूंगा, खेती कभी नहीं करूंगा। खेती में बड़ी मेहनत लगती है भाई। आजा भाई, चल ले चल ठेला। हमको तो मालूम नहीं था, बहुत मेहनत पड़ती है।
मोनू भाई मैं उतर आया ठेले से, मोनू भाई लेके चलेंगे, वो सामने भैया आ रहे हैं जो खेत को बोएंगे, तो चलिए जल्दी करते हैं। मोनू भाई आओ, बच गए। मोनू भाई ने हमारे पहुंचा दिया, सामने भैया खड़े हैं जो बोएंगे, यही आगे वाला खेत हम लोगों का। तो मिलते हैं, खेत वो सब कंप्लीट।